ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते पता नहीं दीदी? सुंदर कांड केंद्र। बहुत सारे कांड वहां पे सुंदर होते हैं। 5 घंटा मेकअप करने के बाद जब महिला बाहर निकलती है तो कहती है अपने पति के सामने, मैं इनकी बेटर हाफ हूं। अरे बहन 5 घंटा मेकअप करेगी तो हाफ तो बेटर तुम ही लगोगी, तो तुम तेरा गटर हाफ है, हाफ पी के गटर में फ्रस्ट्रेशन में। हाँ वही बिल्कुल बाबा वाला, आप बाबा से बात करें यूपी से होते अलग अलग। अब आप देखिए ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर जगह जगह खुले हुए हैं, आप वहां पर जाइए। ब्यूटी पार्लर का शॉर्ट फॉर्म बीपी होता है और वो क्यों होता है आपको पता ही है, बीपी। ब्यूटी पार्लर में जितनी महिलाएं जाती है, एक बार आप समय निकाल के जाइए और उस महिला को देख के आइए जो ये दावा करती है कि दुनिया की हर औरत को सुंदर बना दूंगी। उस महिला को देख के जो ब्यूटी पार्लर चलाती है और ये दावा करती है, उसको देखने के बाद, उसकी शक्ल देखने के बाद, मां कसम ब्यूटी ये शब्द अगर आपके जहन से मर न जाए, आत्महत्या ना कर ले, सुंदरता इस शब्द से आपका विश्वास ना उठ जाए, तो मेरा नाम बदल देना। उसको देख के लगेगा जो ब्यूटी पार्लर चलाती जो दावा करती कि मैं सुंदर बना दूंगी सबको, उसको देखने के बाद लगेगा हिडम्बा मरी नहीं है, यही हिडम्बा है, सुरफण का यही है, यही प्लास्टिक सर्जरी करके लोगों को नाक कटवाती है। मतलब ये महिला नहीं, महिला जयवर्धन है। इसको देख के श्रीलंका का रावण डर जाएगा, कहेगा तू नारी नहीं पिशाचनी है। अंबानी ने हर मेहमान को 2 करोड़ की घड़ी गिफ्ट की। मतलब आम जिंदगी में कह सकते हैं हम कि मैं आदमी 2 घड़ी का मेहमान होता है, वहां 1 घड़ी का मेहमान था। अच्छा ये जो हमारा इमरान है, हमारे इवेंट वाला बंदा, वो बड़ा भोला भाला है। उसको पता नहीं मुझे क्या समझता है, मुझे कह रहा था कि भैया आपको तो अंबानी फैमिली का इन्विटेशन आया होगा तो आप तो जा ही रहे होंगे, तो मुझे भी साथ ले लो। अब मैंने कहा इसने इतनी इज्जत से, इतनी इज्जत मुझे दे दी ऑलरेडी, अब मैं कैसे बोलूं कि मुझे नहीं आया इन्विटेशन। तो मैंने अपने को संभालते, अपना ईगो भी संभाला, उसका दिल भी रख लिया। मैंने कहा नहीं मैं आया तो है इन्विटेशन, जाऊं। मैंने बोले क्यों? मैंने कहा ऐसे परिवार की शादी में मैं क्यों जाऊं जो परिवार मेरी शादी में नहीं है, एडजस्ट करना पड़ा। मदर बोर्ड में चाइल्ड लॉक हो गया। मदर बोर्ड में चाइल्ड लॉक हो गया। जिनके गुरु है बप्पी दा एंड एलपी, जिनके गुरु है संगीतकार बप्पी दा एंड एलपी, ऐसे मेड ब्रदर्स के साथ में आई एम वेरी लकी कि ले रहा हूँ सर। सर एक वीडियो हो रहा है, लोग यही बात करेंगे कि जब लाख सो करके आ रहे हैं और अपनी अपनी जगह हंसा के आ रहे हैं और हम बचा के आ रहे हैं, कितने ईश्वरी कृपा है कि हमको ऐसा मोटिवेशन दिया है कि हम लोगों को खुशियाँ बांटते हैं, उनको अच्छे जिंदगी में कुछ मौके देते हैं कि अपने गम बुला सकें और दुनिया भूल के हमारे साथ एंटरटेन करें। तो ईश्वर का शुक्राना है और हमारे भाई से मुलाकात होगी, हमारे फेवरेट कॉमेडियन है और बैठे बैठे उन्होंने अपने 15 मिनट में बसा दिया तो फ्री में मेरे को आज शुरू मिल गया। ये बताइए सर कि हम साथ में कब नचा रहे हो नचा रहे हैं? मतलब लाइन यही होना चाहिए कि बीच में आप भी आओ और हमारे नचाने से पहले आप सबको हंसाए फिर हम नचाएंगे। मेरे बगल में एक चिकन की टेस्टी चिकन की दुकान है और उसने उस दुकान का नाम रखा चिकन ब्रदर्स। चिकन ब्रदर्स उनका चिकन ब्रदर्स क्यों जब मीट ब्रदर्स हो सकते हैं? चिकन ब्रदर्स क्यों? तो लेट्स मीट फॉर चिकन। ओके ब्रदर, लव यू। सुनील पाल कॉमेडी का सन और मेरे पास है विलन शन ग्रोवर रोजी। मैं आपके तो मेरे बारे में क्या इंट्रोडक्शन दिया? जो हीरो से करता है पूरी फिल्म विलन वो है हीरो की जगह पर विलन गुलशन ग्रोवर। जो हीरोइन से करता है पूरी फिल्म और एंड में बन जाता है। बात मुझे पसंद आ गई, काश आपको मर्डर हो जाता।
मेरा जवानी के छटके अगर मेरी तरह फटके तो तीन बार हुआ फटके, एक उठ के एक बैठ के और एक लेट के, चल अपनी दुकान लगा हट के। आजकल राजनीति ऐसी हो गई है कि घर घर पहुंच गई। अभी मैं सर के घर पे गया था, किस तरह भाभी ने कहा भाई साहब अगर आप बीजेपी से हैं तो मैं आपको चाय पिलाऊंगी, अगर आप कांग्रेस से हैं तो मैं आपको कॉफी पिलाऊंगी। तो मेरे अंदर का रतन रह जा गया। मैंने कहा हम आम आदमी पार्टी से बोतल मंगा लो। पानी की बोतल आपका समझ, अरे आप जो समझो भी सही है ना। मैंने बीजेपी के एरिया में प्री वेडिंग किया जामनगर में, वो जगह जानबूझ के ढूंढी जहां गुजरात में दारू अलाउड नहीं, जामनगर। फिर अभी इटली में कर रहे हैं कांग्रेस के एरिया में। मैंने कहा दिल्ली में कब करोगे, आम आदमी पार्टी के? बोले नहीं हमारे पार्टी में आम आदमी अलाउड ही नहीं। हाँ द्रौपदी जी के कितने पति थे और उसके पीछे की ट्रेजेडी आपको पता ही है। पांच पांडवों ने द्रौपदी जी को घर पे लाया वन में अज्ञातवास में लाया और माँ से कहा कि माँ देखो हम आपके लिए कुछ लाए हैं। तो माँ ने बिना देखे क्या बोला, आप उसे बांट लो। अब माँ की बात तय करने के लिए द्रौपदी को पांच पति स्वीकार करने पड़े। शुक्र है कौरवों को नहीं मिली थी क्योंकि उसकी माँ उनकी माँ तो सच को जानती थी, वो तो उनके मुंह पे लिख बोलती थी क्यों मिला आप उसे बांट लो। तो ये बहुत टैलेंट छुपा है इस मिट्टी के गर्भ में, बहुत टैलेंट छुपा है इस मिट्टी के गर्भ में। नंबर वन है मिट्टी हर संदर्भ में। दुनिया वालों अगर अधिक जानकारी लेना हो तो कुछ दिन तो गुजारो विदर्भ में। गंगू तेली जंगल से जा रहा था, सामने शेर आ गया। शेर ने कहा गंगू तेली तेली गंगू तेली तू आज मेरा भोज बन जाएगा राजा, आज तू मेरा भोज बन जाएगा। तो तेली घबरा गया, शेर को बोल रहा है मुझे क्यों खा रहे हो, मैं तो गरीब आदमी हूँ तेली आदमी हूँ, आप किसी मोटे तगड़े आदमी को खाइए, मैं तो तेली आदमी दुबला पतला। बोले नहीं तुझे ही खाऊंगा, तू तेली आदमी ना, आज मेरा ऑयली खाने का मूड है। अगर आपको आइलू खाने का मूड है तो पीछे मेरी माँ आ रही है उसको खाओ, उसको खाने से आपको 100 गुना ज्यादा मजा आएगा। अरे 100 गुना ज्यादा तेरी माँ को खाने से कैसे मजा आएगा रे, वो 100 तेली है। चल हाँ सर रोलिंग। ये इंसान बहुत ढीला बहुत बेकार, जहाँ भी कोई दिखा उसके साथ फोटो, लड़की हो फोटो, इसको कुछ काम ही नहीं। मैं इसको ये सुझाव दे रहा हूँ अब छोड़ दे, उम्र हो गई है, छोड़ दे ये सब छोड़ दे, समझे कुछ सीरियस बन लाइफ में कुछ कर ले।
एबीपी न्यूज अरविंद केजरीवाल बहुत खुश है इनसे, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई साहब बीजेपी को क्यों नहीं आगे रखे, आम आदमी अपना कांग्रेस को क्यों नहीं आगे रखे, सिर्फ आपको रखे आगे। मैंने इतना कुछ कहा इसलिए सब कह रहा है, इस पर ध्यान रखना। थैंक यू। आप ऐसी परेशान मिले, कैसे हो? परेशान हूँ। माँ कैसी है? बीमार है। बाप पागल हो गए हैं। भाई कैसा? जेल में है। नौकरी छूट गई, बच्चे हुए नहीं, वाइफ तलाक। नाम क्या तेरा? लकी। कोई गा नहीं सकता, तुमने कहा नहीं रे पगले, मेरा एक शिष्य है जो मेरे सारे भजन गा सकता है। मैंने कहा कौन? बोले हर भजन सिंह। हर भजन सिंह थोड़ा ही प्यारा बच्चा है, गीता के साथ बस रहा है। और यही कहना चाहूंगा, गीता भाभी जी से जब शादी में मुझे गया था तो गीता भाभी से मैंने एक ही सवाल पूछा कि हरभजन पाजी से शादी करके आपको कैसा लग रहा है। तो उनका जवाब आपके दिल तक पहुंचे तो ताली बजेगा, आशीर्वाद तो पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा भैया आज मुझे मेरा दिल मैच मिल गया। अवार्ड मुझे जिस हमारी टीम ने दिया है, सिमरन इसको देखिए, इसको सुना दी शेर में, शेर इस शेर में नहीं है तो कुछ और सुना देता हूँ। ये लड़की नहीं देश का गहना है, ये लड़की नहीं देश का गहना है, जिसने वाहवा नहीं बोला ये उसकी बहना है। क्योंकि भैया देखो मैं, हम लोग कॉमेडी कलाकार हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। जैसे कि मेरे प्रोग्राम में बजाएगा जो तालिया, उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालिया उसके सपने में आएगा विजय मालिया, और वो भी नहीं जाएगा जो पढ़ा लिया फिर मत है ना मुझे गा लिया, क्योंकि लाइव बन जाएगी सोमालिया। तो भक्ति जन्मो नाम को समझो, ऐसे अवार्ड और रिवार्ड देते रहो ताकि जोश आए, होश आए। आज के जमाने में जोश कौन किसको देता है, सला डाउनलोड करना पड़ता है। जोश और मौज डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन इस कंपनी ने, हरभजन पाजी ने आज हमें जोश दिया और इस अवार्ड को देख के जो मौज दिया, मैं कहता हूँ ऐसे अवार्ड और रिवार्ड मिलते रहना चाहिए। लव यू ऑल, आप जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है आपका फैन सुनील पाल। थैंक यू। ये जो सम्मान मिला है आज, पहले तो मेरे मेरे तारीफ में दो शब्द बोल दीजिए। मैं आपके फैन है आज से नहीं, तब से जब से वो लाफ्टर चैलेंज देखना शुरू किया था, आप राजू भैया सब मतलब दिग्गज लोग हैं, ये लेजेंड है अपनी फील्ड के, बहुत बड़े लेजेंड हैं। थैंक यू सर फॉर मेकिंग अस ऑल लाफ, क्योंकि जो हम काम करते हैं शायद वो बाकी के लोग भी कर सकते हैं, पर किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है, जो आप करते हो वो कोई कोई कर सकता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पाजी। पंजाब को मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि पंजाब स्टैंड अप कॉमेडी को बहुत रिस्पेक्ट करता है, अपना मुख्यमंत्री को उसे ही बना देता है। इससे पूरा पंजाब भगवान भरोसे होना हो, भगवान भरोसे जरूर है। मान न मान वो हमारा सीएम भगवत मान है ना, लेकिन भगवत मान जी के ही ग्रुप के कॉमेडियन होने के नाते मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं भी कोशिश में लगा हूँ कि कहीं ना कहीं हास्य के रूप में किसी न किसी जगह पे मैं जा सकूँ, लेकिन हरभजन पाजी आपको पता है ये क्रिकेट तो खेलते ही हैं, लेकिन ये अनूप जलोड़ा के बहुत बड़े शिष्य हैं। अभी अनूप जी मुझे मिले थे, मैंने कहा अनूप जी इतने सारे भजन आपने गाए, अनूप जी धरती के एकमात्र ऐसे भजन सम्राट है जिन्होंने इतने देवी देवताओं के लिए भजन गाए कि सारे देवी देवता उनको पर्सनली जानते हैं, इतने भजन गा चुके। हम लोग कहावत है कि दाल रोटी खाओ प्रभु की गुण गाओ, इनके लिए उल्टा है, पहले प्रभु की गुण गाओ।